तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये दोनों दोबारा असुरा के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, मगर असुरा अपने पाल को क्रिएट करते हुए इन दोनों को बहुत ही इजीली रोक लेता है, जिस पर ये आदमी में बहुत ही शौक होती है, कहता है कि ये दो इम्पॉसिबल है, इसलिए उनका कोई भी इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता है, जल्दी से ये बात डीमन किंग को बतानी होगी। तब अगला वाला कहता है कि लेकिन ये बात डीमन किंग को बताने के लिए हमें यहाँ से भागना भी होगा, जिस पर असुरा कहता है बिल्कुल सही, मेरी मर्जी के बारे तुम लोग यहाँ से हिल भी नहीं सकते, वैसे ये डीमन किंग कितना पावरफुल है तुम लोग उससे 10 गुना या फिर 20 गुना ज्यादा या फिर उस सुप्रीम एलर की जितना, जिसे मैंने बस एक ही ब्लो में खत्म कर दिया। तब याद ही किया था क्या तुमने उस सुप्रीम एलर को खत्म कर दिया, जिस वजह से किया था कि ज्यादा मसलों को तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम लोगों को मैं उसके पास भेज दूंगा, फिर आराम से बैठ के सारे लोग मेरे बारे में डिस्कशन करते रहना। और इतना क्या क्या शिवरा इन दोनों को भी पीछे धकेल देता है। तब ये लोग गिरते पड़ते हुए क्या रहे, कहीं डीमन किंग जिस पर्सन को ढूंढ रही है वही तो नहीं, जिस वजह ये डिसाइबल किया था कि आखिर ये कैसे हो रहा है, पहले एलर फिर सुप्रीम एलर और अब ये डीमन सेक्ट वाले, आखिर कोई इस लड़के के सामने टिक क्यों नहीं पा रहा, ज्यादा से ज्यादा इस लड़के की ओर से नहीं क्या हो सकती है। तब डीमन सेक्ट आदमी उठते हुए क्या था ये बाशर हम दोनों को एक ही टाइम पे नॉकआउट कर दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे रोक सके, आखिर इतना पावरफुल पर्सन इस रियलम में कब से पैदा हो गया, जिस पर अब अगला वाला आदमी अशुरा क्या था कि रुक जा क्यों ना हम लोग बैठ के बात करें। तब अशुरा क्या था क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो, मैं भला तुम लोगों से बात क्यों करूंगा, तुम लोग तो इस लायक भी नहीं हो कि मुझे अपने स्वॉर्ड को भी अपेयर करना पड़े, जिस पर सुप्रीम एलर क्या था ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो भी मांगोगे हम तुरंत दे देंगे, बस हमें हमारे सेट को इस तबाही से बख्श दो। तब अगले वाले एल्डर भी कहते हैं हमारे गार्ड में भुला क्या ही रखा है, गांधी जी भी कहते थे कि हिंसा सबसे बड़ा पाप है, जिस वजह से कह रहा है तुम लोगों की पहली गलती ये है कि तुम लोगों डीवर सेक्ट वालों से हाथ मिलाया और आखिरी गलती ये है कि उन गरीब लाचारों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया, तो तुम लोग की बात उस साइड में रखते हुए अगर आज खुद यहाँ गांधी जी भी होते तो मैं तुम लोगों को नहीं बख्शता। तब ये एल्डर कहते हैं इसका मतलब आज हमारे जेड लोटस सेट का खात्मा होकर ही रहेगा, जिस पर अगले वाले एल्डर कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि इसे देख लग नहीं रहा कि ये मजाक कर रहा है, इसलिए क्यों ना कम से कम हम लोग यहाँ से बच के भाग चले। तब ये एल्डर बहुत ही चिढ़ते हुए अशुरास कहते हैं कि आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा किया है जो हमारे पीछे तुम ऐसे पड़ गए, बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए, पैसा मार लड़कियां जो भी मांगो हम तुम्हें अभी क्या भी देंगे, जिस पर अशुरा कहते हैं बस यही भी तुम लोग गलती कर बैठे, इंडिया सेट वालों का साथ देने तक दो ठीक था मगर लड़की और बच्चों की असमें लिंक क्यों की, क्या लगा उनमें शान नहीं होती, वो लोग इंसान नहीं होते, इसीलिए अब इस घिनौने अपराध के लिए मैं तुम सबको मारूंगा, तभी जाके आज मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। तब इतना सुनने डीमन सेक्ट का ये आदमी फीसस किया था कि बस बहुत हुआ, हमें लगा कि तुम हमसे कन्वर्स हो जाओगे इसलिए अभी तक हम लोग चुप रहे, मगर अब और नहीं, आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि आखिर हम डीमन सेक्ट वाले इतने ज्यादा पावरफुल क्यों होते हैं। और इतना कहते ये यहाँ पे किसी टाइप फॉर्मेशन को एक्टिव कर देते हैं, जिस पर ये दोनों एल्डर बहुत ही शौक होते हैं, क्या देखिए शाइन फॉर्मेशन क्या है। तब यहाँ खड़े डिसाइबल इस फॉर्मेशन से निकलने वाले और देखते हुए कहते हैं कि डीमन सेक्ट वालों ने ये फॉर्मेशन कब बिछाया हमें तो पता भी नहीं चला, जिस पर आगे वाला क्या है पता नहीं लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये फॉर्मेशन हमारी शक्तियों को खींच रहा है। तब याद ही किया था कि ये फॉर्मेशन हमने डिफिकल्ट टाइम के लिए ड्रम कार्ड के रूप में छिपा के रखा था, वो भी जेड लोटस सेट वालों को बताए बगैर, मगर लड़की आज तुम्हारी वजह से हमें ये फॉर्मेशन को यूज करना ही पड़ा, चलो अब देखते हैं कि आखिर इस फॉर्मेशन से तुम कैसे बचते हो, जिस पर इस फॉर्मेशन की वजह से हम उस डिसेबल बहुत ही ज्यादा वीक पड़ते हुए कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये फॉर्मेशन तो हमारी स्पेशल पावर्स को खींच रहा है। तब और भी डिसेबल किया था कि डीमन सेट वालों ने हमारे साथ धोखा किया है, ये हमारी पावर्स को एब्जॉर्ब करके खुद को पावरफुल बना रहे हैं, जिस पर पीछे वाले किया था पहले ये लड़का और अब ये डीमन सेट वाले भी हमारे जान के दुश्मन बन गए हैं, कसम से अब नहीं लगता कि अब हमें मरने से कोई भी बचा सकता है। तब ये एल्डर अब डीमन सेट वालों से किया था कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, हमारे बीच डील हुई थी कि हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे लेकिन तुम लोग तो हमें ही धोखा दे रहे हो, जिस पर याद ही किया था सॉरी एल्डर तुम्हें लग कैसे गया कि यहाँ पे हम लोग तुम्हारी हेल्प करने आए हैं, हमारा रियल प्लान तो इस फॉर्मेशन को इस सेट में हिडन तरीके से इम्प्लीमेंट करना था ताकि जब चाहे हम लोग एक ही झटके में इस सेट को हड़प ले। तब ये एल्डर किया था जल्दी हटाओ इस फॉर्मेशन को, हम तुम्हें ये सेट ऐसे ही दे देंगे, बस तुम हमें हमारे लोगों को चिंता जाने दो, हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग डीमन सेट वालों के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, जिस पर डीमन सेट का ये आदमी हंसते हुए किया था कि सॉरी अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, अगर एक बार इस फॉर्मेशन को एक्टिव कर दिया जाए तो फिर खुद डीमन किंग भी इसे ऑफ नहीं कर सकते। तब ये एल्डर किया था साल बस डीमन हम लोगों न जाने तुम लोगों के लिए क्या क्या किया और तुम लोग हमारे साथ अंत में ऐसा कर रहे हो, अगर अब हम लोग मरेंगे तो फिर तुम लोगों को भी जिंदा नहीं जाने देंगे, जिस पर ये दोनों अब इस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा तेज करते हुए कहते हैं कि ऐसा क्या, डोंट वरी हमें उस मिस्टीरियस पर्सन को मारने का ऑर्डर मिला था और अब उस मिशन को पूरा करने से पहले हमें कुछ भी नहीं होने वाला। तब इनके ऐसा करते यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है, इस फॉर्मेशन की वजह से पूरा पूरा जेड लोटस सेक्ट ही हिलने लगता है। तब ये डिसाइड किया था कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं अपनी जगह से अब हिल भी नहीं पा रहा, जिस पर बाकी डिसाइबल भी अब गिरते पड़ते हुए खून की उल्टा करते हुए कहते हैं कि इसने हमारी सारी पावर्स को
को सोख लिए। अब ऐसा लग रहा है कि मानो हमारे बॉडी के भी टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। तब देखते देखते सेकंड मौज सारे डिसेबल बुरी तरीके से एग्जॉस्ट होके मरने लगते हैं। जिस पर एल्डर अब रिग्रेट करते हुए क्या दे कमी दो लोगों ने जो कुछ भी किया हम लोगों ने आंख बंद करके किया, तो फिर अब हम लोगों को इस तरह से मारने का क्या मतलब है? देखना तुम लोगों को भी कोई बहुत ही तड़वा तड़वा के मारेगा हम लोगों से भी बुरी तरीके से। तब एडियन क्या दे तुम लोगों की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। इस सेट को जाने के बाद हम लोग इस मिस्टीरियस पर्सन को भी ढूंढ के बहुत ही सीक्रेटली मार देंगे। उसके बाद इस पूरे पूरे ग्रेट रिवर सिटी में भी ऐसा कोई भी नहीं होगा जो हमारे डीमन सेट वालों से पंगा ले सके। इसके अलावा हम लोग डीमन से हमारे ऊपर भरोसा वो भी इंसान हो के। क्या तुम्हारे दादा परदादाओं ने हमारी हिस्ट्री तुम लोगों को नहीं बताई थी? जिस वरी एल्डर अमर नहीं हालत में आती है क्या देख प्लीज हमें चिंता छोड़ दो, हम लोग तुम लोगों के नौकर बनने के लिए भी रेडी है। तभी आदमी क्या देख तुम इंसान खुद के सगे नहीं हुए तो फिर हमारे सगे कैसे हो गए? बस इस फॉर्मेशन के अगले स्टेज ब्लड मिस्ट में कन्वर्ट हो गया, आराम से अब मौत की नींद सो जाओ। तभी एल्डर क्या देख कहा से एक आखिरी मौका मिल जाता तो मैं डीमन सेट वालों की फाड़ के रख देता। जिस वरी दूसरे एल्डर अब चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो रही है। तब देखते देखते ये एल्डर अब सप्रेस होकर ब्लड मिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद थोड़ी देर में सेट में मौजूद बाकी के लोग भी इसी तरह से ब्लड मिस्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। तब ये डीमन सेट वाले कहते हैं कि लो काम हो गया, इस सेट का हर एक पर्सन अब ब्लड मिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तब अगल वाला आदमी कहते हैं क्या लगता है क्या इस फॉर्मेशन से कोई यहाँ पे जिंदा बचा होगा? जिस वही आदमी कहते हैं आज तक इस पियरलेस किलिंग ब्लड फॉर्मेशन से कोई भी नहीं बच पाया है। इस लोटस सेट के 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी जिंदा चीजें वो सारी ब्लड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चाहे वो जिंदा चीज कितनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। तो अब इस पूरे जेड लोटस सेट में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे जिंदा रहने का सवाल उठता हो। हमें इन्फॉर्मेशन अब डीमन किंग को भी पहुंचा देनी चाहिए ताकि वो जल्दी से बाकी टुकड़ियों को भी यहाँ भेज दे। तभी आदमी अब एक बॉटल निकाल दे यहाँ भी मौजूद सारी ब्लड मिस्ट को सोखने लगता है और सोख दे क्या यहाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले मैं इन सारे ब्लड मिस्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारी तरफ से डीमन किंग को तोहफा होगा, वो जरूर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। जिस वेदा कहती है आदमी यहाँ मौजूद सारे ब्लड मिस्ट को इस बॉटल में कैप्चर करने लगता है। तब थोड़ी देर के बाद जैसे ही बॉटल भर जाता है तो फिर आदमी बहुत ही खुश होती है क्या कह रहे वाह ये दोनों नहले पे दहला है क्योंकि ये ब्लड मिस्ट एक बॉटल से भी ज्यादा है। तभी बगल वाला आदमी कह रहा है कि वेट अ मिनट वो कौन है? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।